कूलेंट की पहचान कैसे करें? लाल, हरा या पीला, कौन से रंग का कूलेंट बेस्ट होता है? क्या रंग देखकर कूलेंट की पहचान की जा सकती है? और जब भी आप कूलेंट खरीदने जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए जिससे कि कोई आपको चूना ना लगा दे? तो कूलेंट के बारे में बहुत सारी ऐसी गलतफहमी है जो आज आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो आपके इंजन में कूलेंट के दो मेन काम होते हैं। पहला काम होता है कि आपके कूलेंट के तापमान को सही बना के रखे, और दूसरा काम होता है कि आपके इंजन के अंदर जो इंटरनल पाइप्स होते हैं, इंटरनल जहां पे पानी चलता है, वहां पे जंग ना आए, आपके इंजन को इंटरनली जंग से, कोरोजन से बचा के रखे। ये दो काम कूलेंट आपके इंजन में करता है। इस काम को करने के लिए आपके कूलेंट को दो तरीके से तैयार किया जाता है। पहले तरीके से जो तैयार किया जाता है कूलेंट, उसका नाम है IAT, इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो तरीका है जिससे कूलेंट बनाया जाता है वो है OAT, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ही तरीके से जब हम कूलेंट को बनाते हैं तो उनमें दो चीज मेन होती है। पहली होती है कि हम उनमें बेस मिलाते हैं, और दूसरी चीज होती है कि हम उसमें इनहिबिटर मिलाते हैं। बेस मिलाने का कारण ये रहता है कि बेस ही वो चीज होती है जो कि आपके इंजन के तापमान को सही बना के रखता है। आपके कूलेंट में बेस मिलाने के बाद आपके कूलेंट में वो गुण आ जाते हैं जिससे कि जब वो गर्मी के संपर्क में आता है तो जल्दी से उस गर्मी को अपने अंदर ले लेता है, और फिर जब वो रेडिएटर में ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से वो तापमान को सही बना के रखता है। तो ये काम होता है बेस का। बेस मिलाने से आपके कूलेंट के अंदर ये गुण आते हैं। दूसरी चीज जो हम कूलेंट में मिलाते हैं वो मिलाते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर का काम ये होता है कि जहां पे पानी चलता है, कूलेंट चलता है, इंटरनल पैसेज जो होता है वहां पे आपके इंजन को जंग से बचाता है। अंदर जंग लगने से रोकने का जो काम होता है वो होता है इनहिबिटर का। तो दो चीज कूलेंट में मेनली मिलाई जाती है। तो चाहे वो इस तरीके से बनाया जाए, IAT तरीके से बनाया जाए, चाहे ये OAT तरीके से बनाया जाए, कोई से भी तरीके से बनाया जाए, ये दोनों चीज उसमें मिलाई जाती है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों कूलेंट में? तो इस अंतर को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा चाय का और कॉफी का। तो देखिए, चाय और कॉफी दोनों में ही दूध मिलाया जाता है, दोनों में ही चीनी मिलाई जाती है, लेकिन एक में अगर चाय पत्ती मिला दे तो वो चाय बन जाती है, और दूसरे में अगर कॉफी पाउडर मिला दे तो वो कॉफी बन जाती है। तो यही अंतर होता है इनमें। पहले तरीके से भी जो कूलेंट मिलाया जाता है उसमें भी मोनो इथाइल ग्लाइकोल नाम का बेस मिलाया जाता है, और दूसरे तरीके से जो कूलेंट मिलाया जाता है उसमें भी जो बेस मिलाया जाता है वो भी मोनो इथाइल ग्लाइकोल ही मिलाया जाता है। तो दोनों में सेम चीज मिलाई जाती है, लेकिन फर्क आ जाता है इनहिबिटर का। जहां हम चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते थे, वहीं पहले तरीके में जो हम कूलेंट बनाने के लिए इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं वो रहते हैं आपका नाइट्रेट, सिलिकेट और फोस्फेट के अमीन्स जो होते हैं वो मिलाते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही एक दो साल हो जाते हैं तो ये जो इनहिबिटर है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल स्थिति को छोड़ देते हैं, जिससे कि ये जंग से जो बचाने की जो इनकी क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो ये इनका ड्रॉबैक होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह का जो कूलेंट होता है उसकी जो लाइफ होती है वो 2 साल होती है, और इसलिए 2 साल में इसको आपको बदलना होता है। और ये करीब आपको 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल जाता है, और इसका हरा रंग रखा गया है स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो मान के चले तो इसका हरा रंग रखा गया है। अब बात करते हैं दूसरे वाले कूलेंट की। दूसरे वाले कूलेंट में हम इनहिबिटर जो यूज करते हैं वो ये नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाने से ये फायदा होता है कि ये समय के साथ साथ 1-2 साल के बाद डिकम्पोज नहीं होता है, बल्कि इसकी उम्र 5 से 10 साल होती है। एक बार आप डालिए और 5 साल के लिए तो कम से कम भूल ही जाइए। और इसलिए इसका दाम जो होता है वो करीब 600 से लेकर 800 या 1000 रुपए पर लीटर के हिसाब से होता है। मतलब लगभग 3-4 गुना इसका दाम होता है, क्योंकि ये दुगने तिगने साल के लिए यूज कर सकते हैं हम इस कूलेंट को। तो अब आखिर, और इसका रंग जो रखा जाता है वो लाल रंग का रखा जाता है। मेनली जो रंगों की पहचान है वो इस हिसाब से रखी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी ने आके कूलेंट बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग अपना ब्रांड ले आए, कोई राम सिंह ले रहा है, कोई गाम सिंह ले रहा है, और उन्होंने क्या किया, इस तरीके से कूलेंट बनाया और उसमें ऐसा केमिकल उसमें डाल दिया कि उसका रंग उन्होंने कर दिया लाल। बनाया इस तरीके से, लेकिन उसका केमिकल डाल के उसका रंग कर दिया उन्होंने लाल कर दिया, पीला कर दिया, नीला कर दिया, जो मन करे वो को रंग कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ग्राहक में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो गया। ग्राहक पहचान ही नहीं पा रहा कि रंग देख के कूलेंट को कि हाँ ये भाई किस तरीके से बनाया गया है, या इसका दाम कितना है, या कौन से तरीके का ये कूलेंट है। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा कर दिया है इन लोगों ने। अब ऐसे में आप ओरिजिनल कूलेंट की पहचान कैसे करें कि कौन से तरीके से बनाया गया है? तो इसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन पीछे लिखी रहती है यहाँ पे पीछे, वहां पे आपको देखना होगा जो OAT दूसरे तरीके से जो बनाया गया है उस पर क्लियरली लिखा होगा कि वो OAT टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और वो नैप फ्री है। नैप मतलब वही होता है नाइट्रेट, सिलिकेट, फोस्फेट के अमीन्स जो होते हैं वो नैप फ्री होता है। तो इसलिए इसकी पहचान यही है सबसे बड़ी, कि आप इंस्ट्रक्शन में जाके देख सकते हैं इसका। और दूसरा यह है कि अगर आपका इस तरह का जो कूलेंट है उसका रंग अगर लाल भी है, तो अगर उस पर यह नहीं लिखा है
कि वो नैप फ्री है या उस पर यह नहीं लिखा है कि वो ओएटी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तो आप समझ जाइए कि वो कूलेंट तो यही है अरे वाला, बस उसका रंग बदल दिया गया है, वो बेफालतू का रंग उसमें दे दिए गए हैं। तो मेरा मानना यही है, मेरी सलाह आपको यही है कि या तो आप इस तरह का हरा रंग वाला जो कूलेंट होता है किसी अच्छे ब्रांड का वो इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर अगर आपको प्रीमियम कूलेंट इस्तेमाल करना है तो वो ओएटी का देख के और तभी आप उसका इस्तेमाल करें। और ओएटी वाला जो कूलेंट है उस पर आपको यहाँ पे ये ग्लोबल रेटिंग भी मिल जाएगी, जैसे कि इस पे आप देख सकते हैं कि G12 लिखा हुआ है, G13, इस तरह से आपको ये ग्लोबल रेटिंग इस पे मिल जाती है। तो अगली बार जब भी आप मार्केट में कूलेंट खरीदना जाए तो आप ये चीज निश्चित कर ले कि आप कौन से तरीके से बने हुए कूलेंट को खरीदना चाहते हैं, IAT टेक्नोलॉजी वाले को या OAT टेक्नोलॉजी वाले को। सीधी सी भाषा में कहूं तो या तो आप हरे रंग का कूलेंट इस्तेमाल करें, नॉर्मल गाड़ी है, और अगर बहुत प्रीमियम गाड़ी है आपकी, प्रीमियम कूलेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरह का OAT वाला पहला मार्क देख ले और फिर ही आप उसको लाल रंग का देख के इस्तेमाल करें। तो सिर्फ रंग देख के अगर आप कूलेंट को पहचानना चाहते हैं तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लाल पीले बैंगनी ना जाने कितने तरह के कूलेंट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से तरीके से वो कूलेंट बना है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो मेरी जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।